हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा अध्याय सेनापति। परिचय से शुरू करते हैं। सेनापति का जन्म होता 1646 ईस्वी में दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसमें होता? 1646 ईस्वी में दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था गंगाधर दीक्षित। क्या नाम था? गंगाधर दीक्षित। और इनके विद्यागुरु थे हीरामणि दीक्षित। गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित। ये राम भक्त कवि थे और श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। अब इनकी देखते रचनाएं। काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ में कवित छंद जो हमारे अध्याय में शामिल किए गए हैं, तो पहले कवित में उन्होंने वसंत ऋतु का जो वर्णन किया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वसंत ऋतु को वसंत को राजा के रूप में उन्होंने यह बताया है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहिए तू। बरन बरन का मतलब अलग अलग रंग के, तरु का मतलब वृक्ष, फूले यानी फूल, उपवन वन यानी बगीचों में और जंगल में, यानी वसंत ऋतु के आगमन पर बगीचों में वन में और वृक्षों पर अलग अलग रंग के फूल खिल जाते हैं। बरन बरन अलग अलग रंग के। सोई चतुरंग संग दल लहिए तू, सोई चतुरंग संग दल लहिए तू। वसंत को राजा के रूप में दर्शाया तो क्या कहे? चतुरंग संग, ऐसा लगता है कि चतुरंगिणी सेना यानी हाथी घोड़े पैदल और रथ, ये जो चार सेना थी उसके साथ दल लहिए तू, दल सहित राजा वसंत पधार रहे हैं, यानी अलग अलग रंग के फूलों वृक्षों और उपवन में जो खिले हुए उनको देख रहे, ऐसा लगा है चतुरंगिनी सेना के साथ वसंत रूपी जो राजा है वो आ रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहिए तू। बंदी जिमी यानी बंदी जन के समान बोलत बिरद, बिरद का मतलब होता है यश गान या यशो गान, जिसे कई बंदी जन राजाओं का यशोगान करते थे, तो उसी प्रकार कोकिल यानी कोयल है वो वसंत रूपी राजा का यशोगान कर रही है। गुंजत मधुप गान गुन गहिए तू, गुंजत मधुप, मधुप किसे कहते हैं? भ्रमर या भंवरे को। किसे कहते हैं? भंवरे को। गुंजत मधुप गान गुन गहिए तू, और एक संगीतकार की भांति गुणगान कर रहा है वसंत रूपी राजा का। गुणगान कौन कर रहा है? ब्रह्मर। किसकी भांति? संगीतकार का रूप ग्रहण करके संगीतकार बन के वो वसंत रूपी राजा के गुणों का गान कर रहा है। आवे आस पास पुहपन की सुभास सोई, सोने के सुगंध माज सने रही है तू। आवे आस पास यानी आस पास में आ रही है, पुहपन कहते पुष्प या फूलों को, सुभास यानी सुगंध, सोई यानी अच्छी, यानी वसंत के समय आसपास उनकी फूलों की जो सुगंध है बहुत अच्छी आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही है तू, सोने के यानी पीले रंग के जो फूल है उन्हें कहा गया है सोने के सुगंध माज सने रही है तू। ऐसा लगता है कि पीले रंग के जो फूल है वो सुगंध के बीच में सने हुए है, बंधे हुए है, यानी उनमें सुगंध फैली हुई है। माज का मतलब होता है बीच में सने हुए, सुगंध फैली हुई, सुगंध में बंधे हुए, यानी सोने, ऐसा लग रहा है कि सोने के अंदर ही सुगंध समाहित हो गई है। पीले रंग के अलग अलग रंग के जो फूल है उनमें जो खुशबू या सुगंध फैली हुई, तो ऐसा लगता है कि जैसे सोने के अंदर ही सुगंध फैल गई है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहिए तू। शोभा को समाज यानी ये सारी जो शोभा है सेनापति सुख साज, और ये जो ठाट बाट के साथ सुख साथ के जो पधार रहे हैं, आवत बसंत ऋतुराज कहिए तू, ये सारा ठाट बाट किसके लिए है?
बसंत ऋतु राज यानी बसंत रूपी राजा के लिए ये सारा ठाट बाट है। अलग अलग रंग के फूल खिलना, चतुरंगी सेना के साथ पधारना, कोयल द्वारा यशोगान करना, ये साज या ये शोभा किसके लिए है? बसंत रूपी राजा के लिए। अब देखिए अगला छंद, देखिए इस छंद में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन एक ही छंद में किया है। तो देखते देखिए क्षिति अंबर जले चार है चारी और छोर तीन तरबर सभी को रूप हरियो। देखिए क्षिति, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, क्षिति किसे कहते हैं? पृथ्वी को। अंबर जले चारी ओर यानी ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी पर चारों ओर यानी तपन है, जल रहा है पूरा अंबर और पृथ्वी जल रहे हैं। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो, तीन का मतलब तृण या घास, तरबर यानी वृक्ष सब ही को रूप हरियो और सारे का रूप हरण हो गया, सभी का रूप हरण हो गया यानी जो उनका रंग था हरा रंग उसका हरण हो चुका, वो सूख चुके हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, जलद पवन तन शेख मानो परियो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, जिस प्रकार भाद्रपद मास में महाजर लगता है यानी वर्षा होती है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में आकाश से अग्नि रूपी वर्षा हो रही है। किस प्रकार की वर्षा हो रही है? अग्नि रूपी, जिसमें भाद्रपद माह में पानी बरसता है उस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में आकाश से क्या बरस रही है? अग्नि बरस रही है। जलद पवन तन शेक मानो, जलद पवन का यह मतलब है जो ये गर्म हवा चल रही है। जलद पवन का यह मतलब क्या है? ग्रीष्म ऋतु की दृष्टि से जो गर्म हवा चल रही है, तन यानी शरीर, शेक मानो वो शरीर को सेक रही है, जला रही है, ऐसा लग रहा है जो ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवा चल रही है वो तन को शरीर को सेक रही है, जला रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे शब्द, दारुण तरनी, तरनी कहते सूर्य को, दारुण मतलब कष्टदायक यानी तपा हुआ सूर्य, तरे नदी सुख पावे यानी इस ग्रीष्म काल में इस कष्टदायक सूर्य के कारण लोग नदी में ही जाकर सुख प्राप्त कर सकते, अर्थात कोई ठंडे स्थान पर जाकर सुख प्राप्त कर सकते और कहीं इनको सुख प्राप्त नहीं हो पाता। श्री घन छा चाहे कोई चित्त डरे हो, श्री घन, श्री का मतलब ठंडी, घन छा बादल की छा, चाहे वो चित्त देव यानी मन में चित्त में एक ही चीज की इच्छा है कि कहीं भी ठंडी छा मिल जाए। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो। देखो चतुराई सेनापति की कविताई की जू यानी सेनापति क्या कह रहे हैं कि सेनापति मेरी कविता है उसकी चतुराई देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो ने मैंने विषम ऋतु का भी वर्णन वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। सेनापति अपनी चतुराई के बारे में क्या बता रहे हैं कि मैंने ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु के समान बता दिया। अब देखिए वर्षा ऋतु की दृष्टि से देखे तो देखे चित्ति अंबर जले चारी ओर छोर, देखे चित्ति ने पृथ्वी पर आकाश में और हर हर तरफ क्या है? जले यानी जल ही जल। वर्षा की दृष्टि से देखे तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि पृथ्वी पर चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? जल ही जल। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो, वापस तीन का मतलब तृण या घास, तरबर यानी वृक्ष, सब ही को रूप हरियो यानी सब का रूप है वो हरा हो गया है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में, जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है? रूप का हरण हो रहा था, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है? उनका रूप हरा हो रहा है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, और जब भाद्रपद माह में महाजर लगता है यानी बरसात की जो जड़ी लगती है, जलद पवन तने शेक माने उपरो, तो ये ठंडी हवा, जलद पवन का यह मतलब वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में ठंडी हवा तन को शेक रही है, अर्थात बहुत शीतल लग रही है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या कर रही थी? वो तन को जला रही थी। दारुण तरनी, दारुण तरनी, तरनी सूर्य को भी कहते हैं, तरनी नाव को भी कहते हैं। तो पहले हमने सूर्य से अर्थ लिया था, अब क्या इसका अर्थ है? नाव यानी वर्षा ऋतु की दृष्टि से पढ़े तो क्या लेना है? दारुण तरनी यानी लकड़ी की नाव, तरे नदी सुख पावे यानी लकड़ी की नाव में बैठ कर लोग नदियां पार करके अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं।
श्री घनछा चाइबो चित धरयो, श्री घनछा चाइबो चित धरयो। हर व्यक्ति था छा चाहता है कि कहीं भी मेरे छा मिल जाए। देखो चतुराई सेनापति कविताएं की जो ग्रीष्म विषम वर्षा संप्रयो, सेनापति क्या करे कि मेरी कविता की चतुराई देखो कि मैंने ग्रीष्म को ही वर्षा ऋतु के समान बता दिया, अर्थात उन्हीं शब्दों को काम में लेते हुए ग्रीष्म ऋतु और वर्षा दोनों का वर्णन कर दिया। अब देखिए अलंकार जाए, जैसे पहली पंक्ति में बरन बरन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो यहां देखिए बंदी बोलत बिरद, बंदी जीमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, यानी व वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार आने शोभा को समाज सेनापति सुख साधिया सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और पूरे कवित्व छंद में देखे तो पूरे छंद में शांग रूपक अलंकार है। तो पूरे में पूछ लिया जाए कि संपूर्ण कवित्व में कौन सा अलंकार है तो कौन सा है, शांग रूपक अलंकार, ध्यान रखना। ये जो हमारा दूसरा छंद है इस पूरे छंद में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है पूरे छंद में, कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाते ऐसे ही, ये थोड़ा कठिन है, द्विवृत्ति शब्दों का प्रयोग हुआ है तो पूछ लिया जाए कि यहाँ जलत पवन ग्रीष्म ऋतु की दृष्टि से जलत पवन का अर्थ क्या है या वर्षा ऋतु की दृष्टि से क्या है, तरणी का अर्थ यहाँ ग्रीष्म ऋतु की दृष्टि से पढ़े तो क्या होगा या वर्षा ऋतु की दृष्टि से पढ़े तो क्या होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में तरणी सूर्य को कहा गया और वर्षा ऋतु में नाव को कहा गया, तो अलग अलग अर्थ बताए गए हैं अलग अलग दृष्टि से, उनको आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।